मित्रों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वो जानकारी है कि भारतवर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के हितों में अभिवृद्धि के प्रयास करना, जो कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। हमें ये सत्य है कि भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों की दशा अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय है। ये लोग सभी दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं। ना तो इनके तन पर पर्याप्त कपड़ा मिलता है और ना मस्तिष्क में शिक्षा। तन और मन दोनों से ये लोग जर्जर हैं। अतः इनका सर्वांगीण विकास राज्य का प्रथम कर्तव्य है। मित्रों, राज्य इनकी शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों के संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 46 में यह वर्णित है। यद्यपि एक बार उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 29 एंड सेकेंड पैरा के अंतर्गत प्रतिभूत मूल अधिकार का अतिक्रमण करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन संसद ने संविधान की प्रथम संशोधन द्वारा इस कठिनाई को दूर कर दिया और अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़कर राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रबंध करने की छूट दे दी। इस संबंध में अनुसूचित जात और अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का एक अच्छा उदाहरण है। ये अधिनियम इस वर्ग के लोगों पर होने वाले शोषण एवं अत्याचार का प्रभावी ढंग से निवारण करता है। इसकी संवैधानिकता को कई मामलों में चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालयों ने इसे ये कहते हुए संवैधानिक बताया कि ये अधिनियम इस वर्ग के उत्थान हेतु बनाया गया है, जो संविधान की भावना के अनुरूप है। मित्रों, आजकल ये 2018 में देखा गया है कि एट्रोसिटीज़ एक्ट जिसे बोलते हैं एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में जब उच्चतम न्यायालय ने एक संशोधन किया था और उसमें ये कहा था कि इस अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बिना किसी जांच के किसी को अरेस्ट करना और उसे अग्रिम जमानत देना भी मंजूर कर दिया था, जो कि सर्वथा उचित नहीं है और इसको संसद ने पुनः अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को यथास्थिति में ला दिया है। और ये जो एक्ट है, SC ST एक्ट, इसमें वही उन्हीं लोगों की सजा दी जाती है जो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये जो अधिनियम है ये SC ST के लिए उनकी एक रेमेडी का कार्य करता है। इसे लागू रहना चाहिए और इसे मूल रूप में इसलिए लागू रहना चाहिए जिससे समाज के अंदर जो दबंग व्यक्ति लोग हैं, जो इनका शोषण करते हैं, SC ST लोगों का शोषण करते हैं, वो इनसे डरेंगे, इस एक्ट के माध्यम से डरेंगे और उनमें भय व्याप्त रहेगा कि किसी भी टाइम में उनके ऊपर कार्रवाई SC ST एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। ये जो अधिनियम है इससे किसी का पर्सनल नुकसान नहीं पहुंचाने का इरादा है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो अकारण, जो जानबूझकर अनुसूचित जात और अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को
सताती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, उनके ऊपर अत्याचार करती हैं। इसलिए ये अधिनियम जरूरी था और ये संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है, उसे हम सभी समाज के वर्गों को मानना चाहिए और संविधान का आदर करना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक का विकास हो सके, प्रत्येक नागरिक सभ्य बन सके। अब आपको मैंने बताया कि 90% जो एससी एसटी के लोग हैं, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन पे उनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है भारत के अंदर। तो ये कि संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी कि सबका विकास सबका साथ। सबका साथ कैसे होगा, सबका विकास कैसे होगा, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन किया गया। उसी के तहत ये कहा गया कि भाई कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर कोई भी अत्याचार करेगा तो वो उसे न्यायालय में दंड का प्रावधान रखा गया और एक अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया, जिसे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत में भारत सरकार की व्यवस्था है, संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है, इसे हमें मूल रूप से स्वीकार करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम चाहे किसी भी वर्ग के हों, अनुसूचित जातियों पर अनुसूचित जनजातियों पर विशेष रूप से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उनकी जो शिक्षा है समुचित करानी चाहिए, उनकी देखरेख करना चाहिए, उनको समुचित आवासीय व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। इस देश के अंदर लगभग 25% यहाँ एससी और एसटी लोगों की आबादी है। यदि इनका विकास होता है तभी भारत का समग्र विकास होगा, तभी भारत की समग्र उन्नत होगी, देश विकासशील होगा, देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा, सबकी उन्नत होगी और सभी लोग सुख और शांति के साथ इस भारत भूमि पर अपना निवास करेंगी, निवास बनाएंगी और सब लोग प्रसन्नचित से यहाँ पर निवास करते रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।